कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि अपने सास ससुर के घर नहीं जा रही है, ये कभी खुश नहीं रहेगी। तो मतलब क्या करने क्या जाए, मैं इतना बड़ा हो गया, अब तक मैंने अपने पापा से मम्मी से 1 रुपया नहीं लिया कभी भी। दिन रात मेहनत की थी, उसको पैसे इकट्ठे की थी, उससे प्लॉट भी लिया था हम लोगों ने, प्लॉट भी बेच खाया। तो मुंह से छोटे वाले ने मुझे थप्पड़ मार दो। इनके खून में लथपथ हो रहे थे, सर फटा हुआ था, पीठ में से ईंट मारी थी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग, आशा करते सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। फ्रेंड, हम कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वैसी वाली प्रॉब्लम तो है ही है, ओवरिस्ट वाली जो प्रॉब्लम वो तो चली रही है, उसकी दवा भी कंटिन्यू चल रही है। जब हम मंदिर में गए थे बालाजी मंदिर में, तो जब से थोड़ी तबीयत खराब हो गई पानी चेंज की वजह से, तो इस वजह से वीडियो तो नहीं डाल पा रहे। हमारी तारीख होगी कोर्ट में, तारीख वारी करके उत्तराखंड जाएंगे, फिर कंटिन्यू ब्लॉग आपको देखने को मिलते रहे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बजे में ब्लॉग चालू किया है, पूरा घर अभी तक सो रहा है, मम्मी पापा और मेरी नानी भी आई रखी थी, मथुरा गए हुए हैं दर्शन के लिए। और ये देखिए मैंने आज साड़ी पहनी है, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। फ्रेंड, ये साड़ी और ये ब्लाउज दोनों मम्मी का ही है, क्योंकि मेरे पास में सही बताऊं ब्लाउज वगैरह नहीं है, मात्र एक ब्लाउज है, साड़ी तो 2-3 है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो ना मेरे मम्मी पापा ने मुझे कुछ दिया, ना सौरभ के घर से कुछ आया था, जैसे लड़की के लिए शादी में आता है कुछ भी नहीं आया। यहाँ से कभी साड़ी बांधनी नहीं आती, लेकिन आज मैंने ट्राई करी और देखी अच्छे से बंध भी गई। सौरभ को सरप्राइज देते हैं, उठाते हैं, गधे की तरह सौरभ तो करीबन 12-1 बजे आए थे, शायद 2:30 बज रहा था, 3 बज रहा था, मैं तो सो रही थी आधी आधी रात पे, खा पी के जब सोए थे। बाबू बाबू देखता बच्चा, दे वैसे भी बहुत टाइम है, वो उठ जाना। अब अम्मी तेरे लिए सरप्राइज है, क्या खावे तू? ये देखो आप तो खोलो। अच्छा। देखो जब बिल्कुल भी खुशी ना भाई, उठ जाना खुशी तो तू। पहले से इतनी ज्यादा मोटी हो गई हूँ कि मम्मी के ब्लाउज भी मेरे बनने लगी हैं, यानी हल्का सा ढीला आ रहा बस, बाकी का मम्मी का ब्लाउज मेरे ना बिल्कुल भी नहीं आता था। बहुत दिन बाद साड़ी पहनी, चलो एक रील भी बना लेते अच्छी, ठीक है मम्मा, चलो उठ रील बना मेरी। दवा वा खा लेते हैं, दवा का टाइम हो, पेट में बहुत दर्द बढ़ रहा मेरे, मैंने ना थोड़ी एक्सरसाइज थोड़ी शुरू कर दी करनी, और मैं दिखाऊं तो कितना दिखाऊं, कब तक दिखाऊं डॉक्टर को, जिस डॉक्टर के पास जाती हूँ वो अपनी अलग दवा दे देता है, जिन कितनी दवाइयाँ अलग अलग डॉक्टर की रखी है, मैं कितनी दवा खाऊं फ्रेंड। इसलिए जो भी दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं बस बर्दाश्त कर रही हूँ, सहन कर आ रही हूँ, मैं भी क्या कर सकती हूँ, मेरे पास होम्योपैथिक की दवा केवल उसी को खा रही हूँ। ये दवा है कुछ होम्योपैथिक की, इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप लोग होम्योपैथी की दवा ऐसी है कि पानी भी नहीं पी सकते। अगर पानी वाली जो दवा थी चूसने वाली वो तो मैंने खा ली, अब बारी पानी वाली। एंड ये इसमें से 15 बूंद डालनी है कम से कम, 14-15। ये देखिए पानी का कलर दारू जैसा हो गया एकदम, बड़ा अजीब सा लगता है, एकदम दारू जैसे ही टेस्ट है, और इसका ऐसा लगता है दारू भर के दे दी हो। कुछ नाश्ता वास्ता करने के बाद दवा बताई थी फ्रेंड, लेकिन मैंने खाली पेटी दवा खा ली, क्योंकि मेरा दिमाग खराब होता है यार, कब तक मतलब ये रूल निभाऊं कि खाली पेट मत खाओ, नाश्ता करके खाओ, ये खाओ, 24 घंटे का है, एक दिन में पता नहीं कितनी बार दवा खानी पड़ती है ये, फिर भी मुझे कुछ फायदा नहीं दिख रहा है, अभी बहुत ही लेट फायदा करेगी ये। इसे सबको उठा देती हूँ फ्रेंड, होटल खुलने का टाइम हो गया, सब अपनी अपनी जगह सो रहे हैं। उठे हाथी, ये यहाँ सो रहा वो वहाँ सो रहा है, यहाँ पर तुम तो उठ गए ना, तो पता ना वीडियो तो कहाँ दिक्कत है, वीडियो में तो एकदम ऐसा मोहन आ लेंगे कैमरा देखते ही बहुत ज्यादा। है चलो ये बढ़िया, बेदर का ही उठ गो, नहावे लग गो। चौधन बोल रही थी आप लोगों से कि खाली पेट दवा खाली, मैं घर में तो कुछ है नहीं खाने के लिए, मैं उसको लेने गया था, बिस्किट लेके आया था, नारियल पानी, ये देखो बिस्किट यहाँ फेंक दिया, ऐसी फेंक दिया, ये कह रही थी कि अच्छा नहीं है, मैं नहीं खा रही, से भी ऐसी रख गई और खाली पेट दवा खा के पल्ला खा के पता नहीं क्या कर रही है, ये लगा रही है झाड़ू पोछा कर रही है यहाँ पे, ले पी ले को खाली पेट दवा खाली तेने, घर गंदो पर जल्दी से साफ कर दो, तो जा मैं पोछा ना लगो, घर गंदो कर दे हूं, ले क्या रहने गंदो कर दो, खींचो मैं बैठ बैठ के पर डोल लो यहां पे, दोबारा बैठे तू जा पी लो, पी तू पी। अरे मैया तूने गुनाह लगा दिया लल्ला का, साले साले उस टांग को ना, अरे अरे क्या कर रही है इसको, साले दबका ले, दिवखा ले, दिवखा ले, दिवखा ले, दिवखा ले, दिवखा ले।
फ्रेंड अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, क्योंकि फिर होटल भी खोलना है आगे। अभी नहा धो के तो रेडी हो गया हूँ, अब चलते हैं होटल की तरफ। कहाँ है? जा रहा हूँ मैं। ठीक है तो फिनिश कर दिया मैंने, कहा इस खा खा के हम एसी में डालते हैं, फिर एसी में उगी आते, बेरिया भी ऐसी उगी है। हुए ना हमारे, तू तो काम पे जा रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, आज भर रहा है, गाड़ी लेकर चल रहा हूँ। ये मेरी शिवरात्रि की कावड़ ऐसी की ऐसी रखी है, इसमें से सारे खेल खिलौने तोड़ तोड़ के इधर उधर फेंक दिए इसने, फेंके है। और एक और कालू, उसने थोड़े से खिलौने बचे हैं बस। ये वैसे कावर घर में रखी नहीं जाती, इसके सामान बच्चों को बांट दिया जाता है, पर यहाँ पे कोई बच्चा ही नहीं है, किसको दे, कोई नहीं है, पूरी गली में बच्चा ना यहाँ पे। बाय मम्मा। अंदर जा, अंदर रह गया वो। पापा मुझे भी लेके चल, तीन तीन है, तू कहाँ बैठो, तीन तीन लोग है, आगे बैठूंगा, आगे बैठो। बच्चा एक दो तीन है, तू कहाँ बैठो, तू कुछ सही हो ना, मेरे कुत्ता, मेरे खमीन, चल तू जाना। फ्रेंड गाड़ी पे बैठी हुई थी, बड़ी जिद करते मेरे वालस, वो तुम्हारे पापा की गाड़ी नहीं है, लाला की गाड़ी है, तेरी नहीं करते गाड़ी पे बैठ हुए को। हाँ इन्हें कूद से बात कर ले, और आप इतनी गंदी बात करते हैं, जाओ सो रहा, जाओ। अल्लाह बहुत ही ज्यादा शरारती है फ्रेंड, सारे गली को कुत्तों, सारे गली के कुत्तों को लेके जाता है, एक आंटी का गार्डन है, पूरा खराब कर दिया है ना, उसमें कीच हो रही है, उसमें नहा नहा के और फिर वो घर पे शिकायत करने आते हैं कि तुम्हारा ये कुत्ता, वो कुत्ता ही कहेगी, हम तो उसको अपना बच्चा कहते हैं, तुम्हारा कुत्ता हमारे ऐसे ऐसे बिगाड़ कर रहा है। थोड़ी देर में मम्मी और पापा आ रहे होंगे दर्शन करके राधा रानी के, वो देखेगी मैंने उसकी साड़ी ब्लाउज सब पहन लिया है, एकदम देखो देखती आग बबूला हो जाएगी। अब उठ उठ के नहा नहा के काम पे चले गए, हाय उठे खोला लिया अंत मम्मी की। फ्रेंड मैं होटल से खाना लेके आ गया हूँ नूतन के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद उसे दवा भी खानी है, दवा भी उसे मुझे ही खिलानी पड़ती है, वो तो खाती नहीं है, उसे यही नहीं पता कौन सी खुराक कब खानी है। सुबह भी मैं खवा के गया था उसको, और दोपहर में भी मैं ही खिलाने आया हूँ, अगर मैं दवा ना खिलाऊं तो खाएगी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, फिर दवा भी खानी, उठ बना रही, ये बच्चा आधी बद्दी का चूतो खा ले, दवा खानी है दोपहर की। फ्रेंड मैं नूतन के पापा के होटल से सब्जी लेके आया हूँ, उसे पनीर की और चार रोटियां, और इसे खवा हूँ, फिर गोली भी खानी है। अरे तंदूरी रोटी कौन खाएगा वे, और दूध कौन पिएगा वे, और कुछ होता नहीं है से। लाडो को पता ही नहीं था कि इनकी दोपहर की भी दवा है, अब मैंने इनको खाना खिला दिया है, अब खिला देता हूँ दवा। बच्चा ये अपने लल्ला को संभाल के रखियो, नगर निगम हमारे पकड़ के लेके जा रहे हैं। पता ना सच में चौके जा में दिमाग तो उतना है, वो कर लेंगे पुच्छ पुच्छ, जो पहुंच जावे वो पूछ हलात हो जाकर पकड़ लेंगे वो। थोड़ा सा प्याज जता दे फिर तो पागल है, बस वो ये जाके लो और कोई ना है। अंदर जा बच्चा, जे तो पकड़ ले जाएंगे जब अच्छा लगे हो, है तो छुटा भी जाएंगे फिर हम, जब अच्छा लगे तो परी हमें क्या पकड़ लेंगे, हम कहा जब पता पड़ेगी तब छुटाएंगे ना। चल अंदर, मैं अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है अभी आ रहा हूँ 15-20 मिनट में, कुछ सामान है उत्तराखंड जाएंगे तो लेते हुए चलेंगे उसको। मैं भी चलूँ? तू मैं जाए तो देखे था मेरे मुंह पर बना। कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि अपने सास ससुर के घर नहीं जा रही है, ये कभी खुश नहीं रहेगी, तो मतलब क्या करने क्या जाए वहाँ पे, वहाँ जाते हैं सभी के नाक मुंह फूल जाते हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता, किसी से कुछ पूछो उसका उल्टा जवाब देते हैं, उन्हें ये लगता है हम उनका लील ले आगे खाने आगे उनका, जो उनका राशन पानी बांध के लेके जाएंगे हम। मेरा भी राशन आता है, 5 किलो चावल आते हैं और 5 किलो मेरा गेहूं आता है, मैं उसी हिसाब से अपना राशन लेके आता हूँ वहाँ से, ये नहीं है कि उनके हिस्सा भी, उनके हिस्से का भी ले आया मैं। तो अब तो वो भी ना लेके आ रहा है, अब तो वो भी नहीं लेके आ रहा मैं, तुम कहते हो कि होरी पे वहां नहीं जा रहे, मतलब करने क्या जाए वहां पे, ये तो बताओ। उनका कोई एक ठिकाना तो है नहीं, कोई अपना पर्सनल घर है, मन में आए जब चले जाओ, मन में आए जब आ जाओ, और उनके रूम ही बदलते रहते हैं इधर से उधर, एक रूम है छोटा सा, वहां में हम रंगे वो रंगे। देख बात ये है कि जब भी उनके घर पे जाओ, उनके ना एकदम मुंह, एकदम सबके मुंह से रंग उड़ जाता है कि ये आ गया, ये आ गई। इसलिए गाइस बताओ, जहाँ अपनी इज्जत ना हो, खामे खा वहाँ पे जाना ठीक है। आजकल के लड़के हैं, पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, उन्हें घर से मतलब खर्चा पानी मिलता रहता है, अपने घर से पैसे उछते रहते हैं वो, कभी मम्मी से, कभी पापा से, कभी किसी से। मैं इतना बड़ा हो गया, अब तक मैंने अपने पापा से मम्मी से 1 रुपया नहीं लिया कभी भी, दिन रात मेहनत की थी, उसको पैसे इकट्ठे की थी, उससे प्लॉट भी लिया था हम लोगों ने, प्लॉट भी बेच खाया,
कब तक उनके मतलब लो पोचो करें, इतनी मेहनत करी देर रात 5-6 साल में, घर ना गए होटल पे लगो रो एक तो रुपया। तो ये छोटे थे, पढ़ाई वढ़ाई तो कभी करवाई नहीं इनकी, काम पे लगा दिया शुरू से, मेहनत कर करके अपने भाइयों को पढ़ाते रहे, छोटे छोटों को घर का खर्चा चलाते रहे। जब उनकी शादी होगी, जब उन्हें नहीं लग रहा कि एक बाबा के चक्कर में आके प्लॉट बेच दो, गोला फूक रहे, शराब फूक रहे, मैंने जाके वहाँ पे ना कह दी कि ऐसा काय कर रहे हो, मुंह से छोटे वाले ने मुंह में थप्पड़ मार दो, इनके छोटे भाई ने क्या कौन से मोता जाऊंगा वहाँ पे, बेसर मन की तरह करो रही तो है, तुम्हारे घर खानदान में तुम्हारे छोटे छोटे तुम पे हाथ उठाए, तुम्हारा मन कर जाओगे घर में जाओगे। नहीं थी जब ये घर वापस आए तो एकदम खून में लथपथ हो रहे थे, सर फटा हुआ था, पीठ में से ईंट मारी थी इनके। तो जब बताया था कि मैंने बस इतना बोला था कि प्लॉट बेच दिया, मेरा नाम भी नहीं लिया, इतने में सब सबने मिलके हावी हो गए मारने के लिए अकेले इंसान पर। कंडीशन पता नहीं है गाइस, हम भी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने घर पे ना रह के अपने ससुराल में रहूँ, हमारा भी मन है, हम भी यहाँ पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन किस मुंह से उधर जाए, वो लोग घर तो वैसे भी नहीं है, किराए पे रह रहे चलो ठीक है, थोड़े ढोल भी आते हैं तो वो लोग खुशी नहीं है हमसे, वो चाहते हैं कि हम उनके घर। अरे रोटी तो पका के रख देते हैं, उस वाली तो बात बहुत दूर है, रोटी तो पका के रख देते हैं, मैं जा रहा हूँ, आ जाऊंगा जल्दी, ठीक है। जो लोग दिल से वीडियो देखते हैं ना गहराई से, उन लोगों ने कई बार देखा भी होगा, जैसे हम घर में जाते हैं, घर पे जाते हैं उनके, सौरभ थोड़ी बहुत बातें करते हैं तो उनका मुंह ना फूला हुआ रहता है, जब भी कोई जवाब देंगे उसका उल्टा जवाब देंगे एकदम। फ्रेंड अभी मम्मी आने वाली है, फाइनली मथुरा वृंदावन से दर्शन करके वो लोग आ चुके हैं, अभी होटल पर रखी हुई है, वो यहाँ आए उससे पहले मैं उसकी साड़ी उतार के रख देती हूँ, अगर वो देखेगी बबूला हो जाएगी। मुझे लग रहा है फ्रेंड शायद कुत्ते पकड़ने वाले आ गए नगर निगम वाले, इतनी 33 कुत्ते चिल्ला रहे, एक बार देखती हूँ जाके, बंदर चिल्लाते नहीं है दिन में। कोई पकड़ के ले जा रहा है तुझे? ये गाइस मैंने चेरी की माला पहनाई थी इसको, कालू को, शायद कोई और ही प्रॉब्लम है, करने वाला तो कोई नहीं आया, लेकिन किसी से इनकी लड़ाई होगी हुई इसलिए चिल्ला रहे एक दूसरे। आगे नानी मैं कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया। दर्शन रह गए? नानी को राधे राधे बोल दीजिए, क्योंकि नानी राधा रानी के दर्शन करके आई है मथुरा वृंदावन से। राधे राधे। राधे, जय श्री राधे। हमारे नाना ने ना दो शादी कर ली मामा के पीछे, मामा ना बहुत तब तक हमारा मामा, वो तो देखो भगवान को करिश्मा, जब लड़का ना है रो तो नानन को दो शादी करनी पड़ी, दूसरी शादी नानी की, तो पहली शादी नानी से, दूसरी कोई और है, दूसरी नानी, और जैसी दूसरी शादी करी नानी के लौड़ा है वो मामा है वो हमारा। यानी नानन की दो शादी लिखी हुई थी भाग्य में, कैसी ना कैसी है नहीं थी, सुबह नानी की एक सौतन है, लड़का नहीं हो रहा था इस वजह से, नानी की सास ना बड़ी सताया करती, मारती, ऐसी गाली देती नानन को, बोलती दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी करवा भी दी, भगवान ने इतना तो करा कि 6 लड़कियों के बाद दूसरी शादी कर ली नानन ने, उसके बाद भी नानी को एक लड़का दे दिया। भाई की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो टेंशन होती है, हर इंसान को हर खुशी तो ना मिल पाती, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड। जा मैं काय नानी, तो लड्डू गोपाल बैठे हैं। अरे वाह, राधे राधे, ठीक हो आप? तब आधा लड्डू खा के बैठे हैं। फ्रेंड राधे के दर्शन करने गए थे ना, तो लड्डू गोपाल को साथ लेके गई थी मम्मी। राधे राधे स्वामी जी, राधे राधे। फ्रेंड काम धाम करते करते रात हो गई है, और वो लोग दर्शन करके आए थे तो खाना वीना भी बनाया था, तो काफी रात हो गई है, वीडियो को यहीं खत्म कर दे रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, लाइक बहुत लोग कम कर रहे हो आप लोग, तो प्लीज लाइक कर देना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं अगले व्लॉग में, गुड नाइट, बाय बाय।